तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आम को कट कर दिए हैं, अब इसमें डाल देते हैं। तो इसे ग्राइंड कर लेते हैं, पूरे आम को, एक आम है इसे ग्राइंड कर लेते हैं, इसका पेस्ट बना के। आम तो बहुत खाए हैं, लेकिन आम का बर्फी भी बनाते हैं आज। तो ये देखिए सारे आम को मिक्सर ग्राइंड में डाल दिए हैं, अब इसे पेस्ट बना लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंगो को पेस्ट बना के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए दूसरा स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप चालू करते हैं। पहला स्टेप हो गया, तो इसमें गैस जला लेते हैं, ऑन कर लेते हैं। तो इसमें दूध डालते हैं, तो फुल क्रीम लीजिए चाहे टोंड लीजिए, ये आपकी मर्जी पे, फुल क्रीम लीजिए तो अब अच्छी बात है। तो मैं आधा किलो दूध ले रखी हूँ, मेरा दूध गर्म हो रखा था पहले से। तो ये हल्का सा इसे एक उबाल आने देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये उबाल आ गया है इसमें, इसे किनारे से चला लेंगे। तो देखिए उबाल आ गया इसमें, तो इसे चीनी डाल देते हैं। एक कटोरी चीनी ले रखे हैं, करीब 100 ग्राम के होगा आसपास, जितना आप मीठा खा सकते हैं उतना डालिएगा, आम में भी मीठा होगा, जितना आप मीठा खाते हैं उतना ही डालिएगा, आप इतना कम बेसी कर सकते हैं। इसे चलाते रहेंगे धीरे धीरे करके, ये 1 से 2 मिनट चला लेते हैं। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट चला ले रहे हैं, और किनारे के साइड को निकाल दे रहे हैं। ये बर्फी बहुत अच्छे लगता है, टेस्ट लगता है खाने में। तो ये देखिए चीनी डालने से कलर इसका चेंज हो गया थोड़ा। तो ये देखिए इसे 1 से 2 मिनट और पका लेते हैं दूध को। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये करीब 250 ग्राम तक बुरादा ले रखे हैं नारियल का। तो इसे धीरे धीरे करके डाल देते हैं, कटोरी से नापिए तो 2 कटोरी होगा। 2 से 3 महीने तो दूध में भी उबाल आ गया है, इसे धीरे धीरे करके डाल दे रहे हैं, ये बहुत जल्दी मिठाई बन जाता है। इसका नारियल जो बुरादा है सारे दूध को टांग लेता है, सोख लेता है। इसे धीरे धीरे करके चल मिक्स करते रहिएगा, आंच को धीमी कर दीजिएगा। तो ये देखिए सारे नारियल को बुरादा डाल दिए हैं। और अगर मेरा नारियल का बुरादा, नारियल के बर्फी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। तो ये देखिए दूध पूरा टांग लिया है, तब अभी ये नारियल जो आम के पेस्ट बना के रखे थे इसे भी डाल दे रहे हैं, इसमें मिक्स कर दे रहे हैं धीरे धीरे करते, इसमें मिक्स कर देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मिक्स कर दिए हैं। अब अगर कलर डालना चाहते हैं तो फूड कलर खाने वाला हल्का सा 1 चम्मच डाल सकते हैं। हल्का सा मैं डाल दे रही हूँ, इसका कलर सही से पकड़ा नहीं है, ज्यादा मत डालिएगा, हल्का सा डालिएगा। ऐसे मिक्स कर देते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसे मिक्स कर दिए, इसे 1 चम्मच से 2 चम्मच घी डाल दे रहे हैं इसमें साइन लाने के लिए, घी डालने से साइन बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए 2 चम्मच घी डाल दे रही हूँ, ऐसे मिक्स कर देंगे, ये आसानी से कढ़ाई भी छोड़ देगा, एकजुट हो जाएगा। तो ये देखिए कितना अच्छा साइन देने लगा है घी डालने से, मिठाई में साइन आ जाता है। इसमें आप इलायची पाउडर डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, बट मैं नहीं डालूंगी क्योंकि इसका फ्लेवर ही अलग है।
ये देखिए इसे पूरे अच्छा से मिक्स कर लेंगे, बढ़िया से सुखा लेंगे इसे, एक से दो मिनट और सुखाएंगे इसे जब तक ये कड़ाही ना छोड़ने लगे। तो ये देखिए इसे और मिक्स करेंगे, साइन कितना अच्छा देने लगा ये देखिए। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये बिल्कुल सूख गया है, इसका दूध इसमें जो कर लिए हैं ये देखिए। अब इसे निकाल देते हैं, उतार देते हैं, इसे गैस ऑफ कर देती हूँ। तो ये देखिए एक थाली या ट्रे में आप ग्रीस करके और इसे डाल सकते हैं, आपको जैसे मन हो वैसे कर सकते हैं। तो मैं इसे इसी में डाल दे रही हूँ, मैं थाली को ग्रीस कर ली थी घी से, तो इसमें ये देखिए डाल दे रही हूँ सेट होने के लिए। इसे तीन से चार मिनट तक के, तीन से चार घंटा तक के आप बाहर रख सकते हैं या फिर फ्रिज में डाल सकते हैं आपको जल्दी हो तो, लेकिन गर्म मत डालिएगा फ्रिज में, ठंडा होने के बाद ही डालिएगा। इसका थिक जैसा आप रखना चाहते हैं वैसा रखिएगा। ये देखिए फ्रेंड्स इसे एक चम्मच में इसे घी लगा के इसे पूरा मिक्स कर देते हैं, इसे प्लेन बना देते हैं। तो इसे देखिए पूरा प्लेन बना दे रहे हैं, इसे देखने में सुंदर लगे अच्छा लगे। ये देखिए पूरा सॉफ्ट हो गया पूरा एकदम, आइए बहुत सॉफ्ट बनता मिठाई, आप इसे व्रत में भी बनाकर खा सकते हैं। सोमवारी का व्रत, सावन महीना में सोमवारी आता है, पूजा होता है, उसमें बना के खा सकते हैं आप मिठाई को। तो ये देखिए तीन से चार घंटे के लिए मैं इसे सूखने के लिए छोड़ देती हूँ, अगर आपको जल्दी हो तो आप फ्रीज में डाल सकते हैं, लेकिन ठंडा होने के बाद थोड़ा। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये तीन से चार घंटा हो गया, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, सूख भी गया है। तो इसे काट करके दिखा देते हैं, तो ये देखिए ये बिल्कुल सॉफ्ट बना है, करीब एक किलो का बन गया है। इसमें आप फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, काजू बादाम डाल सकते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं डालेंगे, सिंपल रखेंगे क्योंकि ये सिंपल ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसे मैं निकाल के दिखा दे रही हूँ सर्व करके। फ्रेंड्स ये कितना सॉफ्ट बना है इसे काट कर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है, कितना अच्छा है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट में लिखेगी कैसा बना है, अगला वीडियो फिर लेके आएंगे। ओके बाय, थैंक यू।